हेलो दोस्तों, अगर आप भी एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, साथ ही अपने देश की सेवा करना चाहते हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SI मतलब सब इंस्पेक्टर के बारे में, कि सब इंस्पेक्टर क्या है और आप कैसे एक पुलिस सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए कितनी एज, हाइट, वेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और साथ में इसका रिटन एग्जाम सिलेबस कैसी होती है और फिजिकल में क्या क्या होती है और मेडिकल टेस्ट कैसी होती है, फुल इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए। दोस्तों, SI का पूरा नाम सब इंस्पेक्टर होता है। सब इंस्पेक्टर को हिंदी में उप निरीक्षक कहते हैं और इसे दारोगा भी कहते हैं, जिसके कंधे पर 2 स्टार होते हैं और एक रेड ब्लू कलर की रिबन होते हैं। सब इंस्पेक्टर एक थाने का IC होता है, जो कि OC का नीचे की पद है। एक थाने की पूरी जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर की होती है। दोस्तों, आप बात करते हैं आप कैसे सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो सकती हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, और आपकी एज 21 से लेकर 28 ईयर के अंदर होनी चाहिए। हाइट, मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट नॉर्मल 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सब इंस्पेक्टर की सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सारे स्टेप देखने को मिलेगा, रिटन टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और लास्ट में ओरल वाइवा। और इसमें टोटल मार्क 150 होती है, जिसमें रिटन टेस्ट में 100 मार्क होती है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में 40 मार्क होती है और NCC में 5 मार्क होती है और वाइवा में होती है 5 मार्क। सबसे पहले होती है रिटन टेस्ट, जिसमें 100 मार्क की एक एग्जाम होती है और इसमें रीजनिंग और मैथ से आती है 25 मार्क और कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टेट से आती है 35 मार्क, जनरल नॉलेज से आती है 30 मार्क, मतलब टोटल 100 मार्क की एग्जाम होती है। और इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलती है 100, इसमें नेगेटिव मार्क होती है 0.50 नेगेटिव मार्क होती है और इस एग्जाम का ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स। उसके बाद होती है फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट में टोटल मार्क होती है 40 और इसमें रनिंग में मिलती है 20 मार्क और लॉन्ग जंप में होती है 20 मार्क। मेल कैंडिडेट की 1600 मीटर की दौड़ होती है, इसमें 8 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होती है और फीमेल कैंडिडेट की 800 मीटर की दौड़ होती है, जिसमें आपको 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी होती है। और लॉन्ग जंप होती है मेल कैंडिडेट की 11 फीट मिनिमम, जिसमें आपको 3 चांस मिलती है और फीमेल कैंडिडेट की मिनिमम लॉन्ग जंप 9 फीट होनी चाहिए, इसमें आपको 3 चांस मिलती है। उसके बाद होती है मेडिकल टेस्ट, आपको फिजिकली एंड मेंटली फिट होनी चाहिए। मेडिकल टेस्ट में आईसाइट चेक होती है, कलर विजन चेक होती है, नोकनी चेक होती है, हेयरिंग टेस्ट होती है, आपका बॉडी का हर पार्ट चेक होती है। अगर आप मेडिकली फिट होते हो तो आपका होती है वाइवा, जिसमें आपको एक पर्सनल इंटरव्यू ली जाती है, जिसमें आपको 3-4 क्वेश्चन पूछी जाती है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आते हैं। दोस्तों, आप इसी तरह सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।